नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज से शुरू करेंगे और देखेंगे, पहले कंटेंट के बारे में देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ये देखते हैं, ये है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति यानी कि दुनिया में, ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है, भारत की स्थिति क्या है, वो किस अक्षांश और किस देशांतर पर स्थित है, उसके पड़ोसी कौन कौन से देश हैं, भारत के कौन कौन से राज्य पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, कितने भूस्थलीय राज्य हैं, इत्यादि के बारे में अध्ययन करना, यानी कि भारत के का एक ओवरव्यू देखना ही भारत की भौगोलिक स्थिति है। उसके बाद भारत का भूगर्भिक इतिहास। भारत के भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत देखेंगे कि चट्टानों के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, चट्टानों के बारे में किन किन प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, वो चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और किस किस चट्टानों में जीवांश इत्यादि मिलते हैं, जीवाश्म या नहीं मिलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चट्टानों के बारे में अध्ययन करना भारत का भूगर्भिक इतिहास है। उसके बाद है भारत का भौतिक स्वरूप, कहाँ पर्वत पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ पहाड़ियाँ हैं, कहाँ तटीय सीमा है, कहाँ मरुस्थल है, इत्यादि के बारे में अध्ययन करना भारत का भौतिक स्वरूप कहलाता है। अगर ये अध्ययन करेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, तो ये डिपेंड करता है इस पर, ये तो एक ओवरव्यू है भारत का। तो ये है पहला डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये भारत का भूगर्भिक इतिहास। जब भूगर्भ के इतिहास के बारे में देख पता कर लेंगे, चट्टाने कहाँ किस प्रकार की, कठोर चट्टाने कहाँ, मुलायम चट्टाने कहाँ, इस प्रकार की चट्टानों के बारे में जब अध्ययन कर लेंगे, तो हमें एक ओवरव्यू मिलेगा कि कहाँ पर्वत बनने की संभावना है, तो कहाँ पर्वत है, कहाँ पर्वत नहीं है। तो भारत के पर्वतों, पठारों और मैदानों के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ समतल है, तो कहाँ से कहाँ, अगर जहाँ ऊँचा है पठार पर्वत, अब जहाँ मैदान है नीचे है, तो ऊंचे से नीचे की ओर नदियाँ प्रवाहित होंगी, तो नदियों के बारे में ओवरव्यू मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में भारत में अपवाह तंत्र, यानी कि नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, अपवाह तंत्र भारत का किस प्रकार से है, कौन सी नदियाँ किधर जाती हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में सब अध्ययन करना भारत का अपवाह तंत्र है। हिमालय नदियों के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में सब इसी में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है भारत की जलवायु। अगर हमें भौतिक स्वरूप के बारे में पता चल गया, कहाँ ऊंचा पर्वत है, कहाँ पठारियाँ हैं, उसके बाद नदियों के बारे में पता चल गया कि नदी घाटी कहाँ है, तो जलवायु के बारे में अध्ययन करना आसानी हो जाएगी, क्योंकि हवाएं, जलवायु हवाओं पर डिपेंड करती है और हवाएं नीचे क्षेत्रों में जाती है, नीचे क्षेत्रों यानी कि नदी घाटी के क्षेत्रों में, नदी घाटी वाला क्षेत्र ही सबसे नीचे क्षेत्र होता है, तो नीचे क्षेत्रों में नदी घाटी के क्षेत्रों में प्रवेश करती हवाएं और पर्वतों से, पहाड़ियों से टकराती हैं, जब टकराती हैं तो बादल बनता है और मानसून बनता है, बारिश होती है। तो कुल मिला जुलाकर जलवायु जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पर्वत पठार मैदान और नदियों पर, तो इन दोनों पर डिपेंडेंट टॉपिक है। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद इसके बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इन दोनों के बारे में पता होगा, जलवायु के बारे में पता चला होगा, जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में आसानी से पता कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता हो गया कहाँ मानसून ज़्यादा आएगा, कहाँ नदियों में जल है, कहाँ नहीं है, तो हम जल के संरक्षण और संवर्धन की व्यवस्था कहाँ करना कि उचित है, कहाँ नहीं है, इसके बारे में पता कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता दें, पूर्वोत्तर के भारत के क्षेत्रों में जल संरक्षण की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ हिमालयी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो वर्ष भर में पानी भरा रहता है, तथा लगभग वर्ष भर बारिश भी होती है, मानसून भी वहाँ रहता है, तो वहाँ विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर राजस्थान के मरुस्थलों में देखें, तो वहाँ जल संरक्षण काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि मानसून बहुत कम वहाँ जाता है और जो नदियाँ हैं भी तो केवल मानसून के मौसम में ही उनमें पानी होता है। तो इनके और इनके बाद में जलवायु के बाद जल संसाधन के बारे में पता कर पाएंगे और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, जैसे बांध, झील इत्यादि। पता चला कि कोई पर्वत है और वहीं पर कहीं बांध बना दिए,
पर्वत के ढलान पर ही बांध बना दिए, पता चला कि पानी आया ससुरा बांधे को बहा के लेके चला गया। तो इस प्रकार नहीं कर सकते हैं, तो उसके इसलिए उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए भौतिक स्वरूप के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन होना चाहिए और जलवायु के बारे में होना चाहिए। उसके बाद इस पर अध्ययन ऑटोमेटिक हो जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू मिलेगा, अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद भारतीय मृदा, मृदा भी जलवायु पर निर्भर करती है, जैसे जहाँ जलवायु पर नदियों पर निर्भर करती है मृदा, जैसे जहाँ नदियाँ ज़्यादा हैं वहाँ नदियों के निक्षेप द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा, तो जलोढ़ मिट्टी नदियों के आसपास मिलेंगी। उसी प्रकार जहाँ बारिश जलवायु ज़्यादा है जहाँ आप लैटराइट प्रकार की मिट्टी मिल सकती है, मिलने की संभावना है, पीट मिट्टी मिलने की संभावना है। तो इस प्रकार से मिट्टियों के बारे में अध्ययन करना आसानी हो जाएगी, अध्ययन कर पाएंगे। उसके बाद मिट्टियों के बारे में अध्ययन कर लिए, जलवायु के बारे में अध्ययन कर लिए, नदी अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिए, तो खूब आसानी से हम प्राकृतिक वनस्पतियों पर अध्ययन कर सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। क्यों? क्योंकि मिट्टी जहाँ अच्छी होगी, जलवायु अच्छी होगी जहाँ पर, वहीं पर तो वनस्पतियाँ होगी अच्छी अच्छी। तो जलवायु और मिट्टी और पानी पर निर्भर करती हैं, इसलिए वनस्पतियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अगर वनस्पतियों के बारे में अध्ययन कर लिए तो जहाँ वनस्पतियाँ अधिक होती हैं, जंगल झाड़ियाँ जहाँ अधिक होती, वहीं तो जैव विविधता अधिक होगी, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव वहीं तो मिलेंगे, तो इसके बारे में भी अध्ययन कर पाएंगे, ओवर भी थोड़ा सा मिलेगा। उसके बाद होगी कृषि व्यवस्था, भारतीय कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था भी मिट्टी पर निर्भर करती है, मिट्टी का अध्ययन कर चुके। ये जलवायु पर निर्भर करती है, ये अब यानी पानी पर निर्भर करती है, नदियों पर निर्भर करती है। तो इन सब के अध्ययन करने के बाद कृषि की व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना आसान हो जाएगा, तो कृषि व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। उसके बाद खनिज संसाधन, खनिज संसाधन हालांकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं करता है, ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ना होगा, अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन भी लगभग इंडिपेंडेंट है, थोड़ा सा निर्भर करता है, जैसे पवन ऊर्जा। आप जलवायु के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जब जलवायु के बारे में अध्ययन कर चुके हैं तो आपको पता है कि हवाएं किधर से किधर जा रही हैं, किधर टकरा रही है, पर्वत भौतिक स्वरूप के बारे में जानते हैं, पर्वत पटारे के बारे में किधर टकरा रही है इत्यादि, किधर से किधर घूम रही है, तो इसके बारे में आपको पता है। जब इतना आपको पता है तो पवन ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा संसाधन में अगर पवन ऊर्जा के बारे में आपको पता होगी कि पवन ऊर्जा की संभावना कहाँ ज़्यादा बनेगी और पवन ऊर्जा की संभावना कहाँ कम बनेगी। इसी प्रकार से जलवायु के बारे में आपको पता है, मानसून कहाँ अधिक आएगा कहाँ कम आता है, तो जब मानसून अधिक आएगा जहाँ वहाँ सौर ऊर्जा की संभावना कम होगी, जहाँ कम मानसून आएगा वहाँ सौर ऊर्जा की संभावना अधिक होगी, कम मानसून आएगा तो ज़्यादा धूप होगी तो सौर ऊर्जा की संभावना बढ़ेगी वहाँ पर, तो सौर ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करना आसान हो जाएगा, ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद है भारतीय परिवहन, परिवहन हालांकि स्वतंत्र टॉपिक है, फिर भी जल परिवहन और जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन जो नदियों से होता है आंतरिक जल परिवहन कहते हैं, आंतरिक जल परिवहन के बारे में अध्ययन करना थोड़ा सा इनसे ओवर में मिलेगा, बाकी ये लगभग स्वतंत्र है। उसके बाद है विनिर्माण, विनिर्माण उद्योग, यानी कि उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में अध्ययन अगर करना है तो खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जब खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन कर चुके तो आपको पता है कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, किस प्रकार का कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, तो किसी प्रकार का उद्योग लगाना है तो यही देखना है कहाँ से ज़्यादा कच्चा माल प्राप्त हो सकता है। भौतिक स्वरूप के बारे में पता है तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से पहाड़ पर न हो, वरना अन्य हाइड्रो पावर को छोड़कर अन्य कोई पावर तो नहीं वहाँ पर लगाना आसान नहीं होगा। या अगर हाइड्रो पावर के बारे में अध्ययन करना चाहे, हाइड्रो पावर के बात करें विनिर्माण में, हाइड्रो पावर बिजली उत्पादन के लिए, तो उसकी संभावना कहाँ बनती है, यहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है, इसकी जानकारी अगर हमें है तो इसका ओवरव्यू मिल सकता है। तो विनिर्माण उद्योग के बारे में भी लगभग यहाँ से ओवरव्यू प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है भारत की जनजातियाँ, हालांकि जनजातियाँ एक स्वतंत्र टॉपिक है, फिर भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं यहाँ से भौतिक स्वरूप से, भौतिक स्वरूप से और प्राकृतिक वनस्पतियों से। भौतिक स्वरूप से हमें पता चलता है कहाँ पर्वत पठार है, और वनस्पतियों के बारे में हमें पता चलता है कहाँ जंगल झाड़ियाँ हैं। तो जनजातियाँ अधिकांशतः
पर्वत पठार और जंगल झाड़ियों वाले एरिया में ही मिलती हैं अधिकांश, तक बात करें ये 100% सच नहीं है लेकिन फिर भी अधिकांशतः मिलती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर भी मिल जाएगा, हालांकि ये स्वतंत्र है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी आती हैं, उसके प्रबंधन, उसके से बचाव का क्या उपाय होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट। और लगभग इतना ही टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में, अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो शामिल कर लिया जाएगा, हालांकि शायद भूला नहीं हूँ। इसको टॉपिक बाय टॉपिक इसका अध्ययन करेंगे, एक एक करके सबको पढ़ने का प्रयास करेंगे, सबको समझने का प्रयास करेंगे, सबको पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो चैनल को शेयर कर लेते, चैनल को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी शेयर करें, लाइक कर दें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।